सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब जो नाम विधायक दल की बैठक के बाद फैसला लेने में सामने आया वो नाम दरअसल अब कोई और नहीं, ये नाम है विष्णुदेव साय का, जो कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। एक लंबा सस्पेंस, विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षक और सबसे सभी विधायकों से बातचीत, और उसके बाद जो नाम सामने आया है वो विष्णुदेव का। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया और आखिरकार जो नाम जिसका ऐलान हुआ है वो है विष्णुदेव साव, जिनके नाम के कयास भी लग रहे थे, चर्चाएं भी चल रही थी कि आखिरकार जो संभावित चेहरे थे उनमें से एक चेहरा विष्णुदेव साय का भी था, जिसको चुन लिया गया है, मोहर लग चुकी है। विधायक दल की बैठक में, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद तमाम विधायकों से पर्सनली भी बुला बुलाकर बातचीत हुई है। कई नाम जो चर्चा में थे उनमें से विष्णुदेव साय का नाम अब सामने आ चुका है, यानी छत्तीसगढ़ को मिल चुका है उनका नया सीएम और उनका नाम विष्णुदेव साय। सुमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। सुमी, आखिरकार सस्पेंस अब थम चुका है छत्तीसगढ़ के लिए और नाम का ऐलान हो चुका है और वो अगला सीएम होने वाले हैं विष्णुदेव साय। जी बिल्कुल, विष्णुदेव साय सीएम की घोषणा उनकी हो गई है। हमारे टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय की घोषणा हो गई है। हम पहले से ही आज तक लगातार ये चीज बता रहा था कि विष्णुदेव साय ट्राइबल चेहरा होगा और ट्राइबल चेहरे में जो विष्णुदेव साय का जो एक्सपीरियंस रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको सारे नेतृत्व वाले, सारे लीडर्स उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग हम जो दे रहे हैं, विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट सीएम। अभी ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम की भी घोषणा की जाएगी। अब वो कौन होंगे ये देखना खास होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद, 3 बार के बीजेपी प्रेसिडेंट यूनिट के चीफ रहे हैं और इनफैक्ट उनके जाने के बाद ही अरुण साव को बनाया गया था और उनके उसके अलावा ये 1 बार MOSP भी रहे हैं मोदी 1.2 गवर्नमेंट में। तो इनकी जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि अगर इन्हें बना दिया जाता है तो वो नेतृत्व द्वारा एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहेगी और इसीलिए इन्हें इनका नाम घोषित किया गया है। लेकिन कई नामों की चर्चा हो रही थी और ये बड़ा नाम जो अब सामने आया है किन किन, सुमी आप इस पे अगर रणनीति समझे, क्या ऐसे गणित जो यहाँ बीजेपी को लगा होगा कि ये ऐसा नाम जिस पर सहमति बने और इससे दरअसल ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ के लिए आगे भी काम आए। जी बिल्कुल, हम आज तक में लगातार हम ये बोल रहे थे कि एक ट्राइबल चेहरा बनाने के लिए बीजेपी हमेशा तत्पर रहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र है, 33% ट्राइबल पॉपुलेशन है और यहाँ पर अगर एक ट्राइबल सीएम होता है तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा कि छत्तीसगढ़ जो ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र है उसमें एक ट्राइबल सीएम को बनाया गया है। ये 2024 के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी जो बीजेपी अपना सकती थी, हमने ये लगातार कहा था और ये भी हमने बताया था कि किस तरह से अगर ट्राइबल सीएम बन जाता है छत्तीसगढ़ का तो एक स्टेट को ही फायदा नहीं होगा, मल्टीपल स्टेट्स को फायदा होगा जो एडजॉइनिंग है, सारे ही ट्राइबल बेल्ट को सीधे साध लिया जाएगा 2024 के लिए। तो ये जो रणनीति है बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने अपनाई है और इसी रणनीति के तहत विष्णुदेव साय का नाम जो पहले से चल रहा था उन्हें सीएम बना दिया गया है। बताया जा रहा था चौंकाने वाला नाम होगा, बिल्कुल चौंकाने वाला नाम है, लेकिन आज तक ने पहले इसके कयास लगा लिए थे, ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
बिल्कुल। और देखिए विष्णुदेव साय वो ट्राइबल चेहरा जिसको बीजेपी ने आगे किया है और पूरी सोची समझी रणनीति दरअसल, और पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि कोई ट्राइबल चेहरा हो सकता है जिसको सामने रखा जाए, और विष्णुदेव साय दरअसल वो चेहरा अब छत्तीसगढ़ के बने हैं जो नए मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने हैं। विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद ये नाम जो है सामने आया है। लेकिन सुमी जिस तरह ये नाम, अब सवाल ये भी क्योंकि चर्चा में कई नाम चल रहे थे लेकिन यही नाम सबसे आगे निकल गया और खासे ट्राइबल है ये, साथ ही साथ और लीडरशिप एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक राज्य की जिम्मेदारी संभालना, ये सब चुनौतियां होंगी उनके सामने। जी बिल्कुल, चुनौतियां तो रहेंगी ही और चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि बहुत ही फ्रीबी अनाउंस किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने काफी ज्यादा फ्रीबी अनाउंस किए थे। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट थी कांग्रेस के कार्यकाल में 87,000 करोड़ का जो डेट है उस डेट से निकालना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, प्लस 12,000 रुपये महिलाओं को देना वो बहुत बड़ी चुनौती होगी, 3100 प्रति क्विंटल धान के लिए देना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो जितने भी स्कीम्स अनाउंस किए गए, 500 रुपए की सब्सिडी महिलाओं को देना अपने आप में चुनौती होगी। तो ये जितनी भी सारी चुनौतियां हैं ये नए सीएम के सामने आने वाली है और अपने आप में उनको एक चक्रव्यूह एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो उन्हें ये जो डेट है जो कांग्रेस छोड़कर गई है कहीं ना कहीं 87,000 करोड़ का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिबेट है वो भी आता है, वो उसको इंक्लूड करके 87,000 का जो लोन है वो एक बड़ी सी जो खाई है उसको भरने का काम अब नए सीएम का होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी अपने आप में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं अब इस सीएम को करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ का पुश करना होगा और इसीलिए विष्णुदेव साय को बनाया गया क्योंकि तजुर्बा बहुत जरूरी था। एक नए चेहरे को बनाने की बात की जा रही थी, ये नया चेहरा भी है और ट्राइबल चेहरा भी है और इनको बहुत अनुभव है मोदी 1.0 गवर्नमेंट में, ये एमओएस स्टील रहे और इन्होंने अच्छा इंपैक्ट छोड़ा और इनफैक्ट इनकी हमेशा से क्लीन इमेज भी बताई गई है। तो बीजेपी ने भरोसा इसलिए जताया क्योंकि ये सारे ही इक्वेशन को फिट बैठ रहे हैं सारे इक्वेशन में और इसीलिए इनका नाम आगे किया गया है। तो फायदा सिर्फ 2023 में नहीं होगा छत्तीसगढ़ को, 2024 में भी होगा, 11 के 11 लोकसभा सीट्स इनको लाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ 2028 के लिए एक सेकेंडरी लीडरशिप तैयार करने की जिम्मेदारी भी विष्णुदेव साय के कंधों पर रख दी गई है। तो हालांकि केंद्रीय मंत्री के पद पर भी देखिए रह चुके हैं और हमारे साथ शशिभूषण भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशिभूषण, आखिरकार एक सस्पेंस जरूर यहां पर रुका और आदिवासी चेहरा जिसे बीजेपी ने आगे किया है और कमान सौंप दी है छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल, देखिए जब भी लंबा यह मामला खींच रहा था छत्तीसगढ़ में किसे नेतृत्व दिया जाए, कौन सरकार के नेतृत्व करेंगे, तो ये बात लगातार चर्चा में आ रही थी कि 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसी रणनीति पर चल सकती है और ट्राइबल चेहरा जो है बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। तो जैसा सुमी बता रही थी कि बड़ा अनुभव रहा है इनके पास और ट्राइबल चेहरा है, मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, जो इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका रही है और जब वहाँ से नाम चर्चा सोर्सेज पर चल रही थी तभी हमने छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं बीजेपी के नितिन नवीन, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे हमने बातचीत की और उनसे हमने सीधा नाम पूछा था और उन्होंने कंफर्म किया सबसे पहले कि जो साय हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पे जाएंगे और देखिए बीजेपी ने मुहर लगा दी है फैसले पर और अब कह सकते हैं कि बीजेपी ने 2024 के मुताबिक सबसे जो महत्वपूर्ण फैसला है वो छत्तीसगढ़ में फैसला ले लिया है। 2024 पर नजरें हैं, ट्राइबल कार्ड और अपने आप में एक अनुभवी चेहरा भी, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज बीजेपी को यहाँ नेतृत्व के तौर पर मिलता हुआ दिख सकता है। अर्पिता।